हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल इतना नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है आप लोग की जो वैकेंसी निकली हुई थी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, जी हाँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जो आप लोग की वैकेंसी निकली थी, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल के लिए, तो अभी जो है इसके आप लोग के 31 अगस्त तक इसके आप लोग के फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किए गए। यदि आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी से रिलेटेड है। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट बहुत ज्यादा चिंतित है कि सर एग्जाम कब होगा, पीटी पीएचटी हमारा कब होगा, हमारा फिजिकल कब होगा, रिटर्न कब होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी से रिलेटेड है। तो जिसने भी मुझसे इस प्रकार के क्वेश्चंस किए, मैंने सभी से यही कहा कि नवंबर में आप लोग के जो नवंबर दिसंबर तक आप लोग के इसमें एग्जाम होने के पूरे चांस है। जी हाँ, नवंबर में इसके जो पीटी पीएचटी होने के पूरे चांस जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो यही थी कि नवंबर में आप लोग के हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि डेट बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं था। जो भी विभाग के जो आला अधिकारी थे उन्होंने जो है इसकी डेट को अभी तक बिल्कुल ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया गया था। लेकिन जो एक बातचीत चल रही थी कि मंस आप लोग के जो है नवंबर तक जो है आप लोग के पीटी पीएचटी लेने के पूरे चांस लग रहे थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों से ही, जी हाँ अभी कुछ दिनों से ही, दो चार दिन पहले से ही आप लोग के जो आप लोगों ने एनवलप भेजे थे उसमें जिनके भी एनवलप लेट पहुंचे हैं उनके एनवलप वापिस आ रहे हैं। जी हाँ, आज जो मेरी बातचीत हुई है सिर्फ इसी चीज को लेके मेरी बातचीत हुई है कि सर ये एनवलप क्यों वापिस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब इस तरीके से। लेकिन बातों बातों में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली कि मतलब मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, बातों ही बातों में मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोग के जो एनवलप वापिस आ रहे हैं इसकी जानकारी लेनी थी। लेकिन मुझे आप लोग के पीटी पीएचटी की भी इंफॉर्मेशन लग गई है। जी हाँ, पीटी पीएचटी का इंफॉर्मेशन मींस पीटी पीएचटी के एग्जाम कब होने वाले हैं इसकी पूरी जानकारी मुझे लगी है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक स्टेटस अपना चेक किया होगा, यदि बंगरसिया में आप लोगों का डिलीवर्ड है, जी हाँ रियल इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड है, 31 से पहले आप लोग को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो मेन सबसे मेन कारण आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही है कि 31 के बाद आप लोग के फॉर्म पहुंचे हैं। अब इसमें आगे क्या करना है, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, इसकी जानकारी के लिए मैं आप लोग को एक नया वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को मैं जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर जो फॉर्म पहुंचे हैं एक्सेप्ट हुए नहीं हुए इसकी जानकारी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है, आप लोग के पीटी पीएचटी कब होने वाले हैं विभाग ने जो तय किया है वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, वही डेट मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग के एडमिट कार्ड भी जल्द ही आने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा आप लोग चिंतित हो रहे होंगे, सर बता नहीं रहे कि डेट कौन सी है। चलिए मैं आप लोग को बताता हूं, डेट जो है आप लोग की है अक्टूबर। जी हाँ, 22 अक्टूबर से आप लोग के पीटी पीएचटी स्टार्ट है, 22 अक्टूबर। जी हाँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल 22 अक्टूबर से आप लोग के पीटी पीएचटी स्टार्ट है। बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ऐसी कोई जानकारी नहीं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पहले डेट की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। लेकिन ये पता था कि इस मंथ में आप लोग के एग्जाम हो सकते हैं आसपास। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एनवलप वापस करने शुरू कर दिए, छटाई करनी शुरू कर दी, आप लोग के डाटा जो है फीड किए जा रहे हैं, आप लोग के एडमिट कार्ड निकाले जा रहे हैं, अब एडमिट कार्ड आप लोग के आने वाले हैं। 22 अक्टूबर आप लोग की जो है डेट बिल्कुल कंफर्म है पीटी पीएचटी के लिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। जी हाँ, यदि आप लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा मैं कोई भी इंफॉर्मेशन बिना किसी प्रूफ के नहीं देता। जी हाँ, मेरे पास कोई इस वक्त नोटिस नहीं है, कोई ऐसा मेरे पास प्रूफ नहीं है जिसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जी हाँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो विभाग ने कुछ रिटर्न में कोई ऐसा नोटिस किसी विभाग को जारी किया है, किसी सेंटर को जारी किया है, इसलिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो कि जिसे कि मैं बिल्कुल रियल जानता हूं। जी हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल रियल है वही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। 22 अक्टूबर बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए।
अभी तक बिल्कुल कंफर्म है, यदि आगे कुछ होता है, जी आप लोग देख रहे हैं कि सभी जगह प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ भी कभी भी ऐसा हो जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो जा रहे हैं कोविड की वजह से, कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ये अगर आगे कुछ होगा तो मैं आप लोग को इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी तक आप लोग की जो है 22 अक्टूबर बिल्कुल तय है, 22 अक्टूबर आप लोग के पीटी पीएचडी स्टार्ट है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अब पीटी पीएचडी की प्रिपरेशन में लग जाइए, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। पीटी के लिए तो आप लोग की हाइट वेट चेस्ट तो आप लोग की होनी ही चाहिए, जी हाँ बिल्कुल होनी ही चाहिए। रही बात पीएचडी पीटी के लिए, पीएचडी में आप लोग की हाइट वेट चेस्ट तो अभी तक हाइट वगैरह आप लोग की होनी चाहिए, क्योंकि 1 और 1 मंथ के अंतर्गत आप लोग की हाइट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ रेस पे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यदि आप लोग की रेस वीक है अभी तो रेस वगैरह में आप लोग सुधार कर सकते हैं। लेकिन सीआरपीए के अंदर जो रेस मांगी जाती है वो भी बहुत ही इजी रेस मांगी जाती है। तो अभी 22 अक्टूबर में आप लोग के बिल्कुल एग्जाम कंफर्म है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। यदि आगे कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन आप लोग एक टारगेट लेके चलिए कि 22 अक्टूबर, जी हाँ 22 अक्टूबर आप लोग के पीटी पीएचडी स्टार्ट है। अब आगे एनवेलप के बारे में जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को एक कुछ जानकारी और दे दूं, मेरे साथ बहुत से बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो जिनके मैसेज मेरे को आते रहते हैं कि सर 7 मिनट की रेस है, 8 मिनट की रेस है, 10 मिनट की रेस है। तो यदि आप, मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, सभी पोस्टों के लिए अलग अलग वीडियो बना दिया ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर सफाई वाले के लिए कितनी रेस चाहिए, कुक के लिए कितनी रेस चाहिए, स्टीवर्ड हाइट कॉन्स्टेबल के लिए कितनी चाहिए, एसआई के लिए कितनी चाहिए, सभी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी लिंक दे रखे हैं, आप लोग वन बाय वन लिंक जिसको भी आप लोगों ने अप्लाई किया है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को फिर भी शॉर्ट जानकारी देता हूं, यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए, कॉन्स्टेबल में किसी भी ट्रेड के लिए, कुक हो, बार्बर हो, आप लोग का वाटर कैरियर हो, या फिर आप लोग की मसालची की वैकेंसी निकली है, तो आप लोगों की जो है इसमें होने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आज से आप लोग को बिल्कुल लग जाना है फिजिकल के लिए। 1600 मीटर मेल कैंडिडेट की रेस है जिसमें कि आप लोग को 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जी हाँ 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं 7 मिनट का टाइम है, 7.5 मिनट का टाइम है, तो मैं भी आगे आप लोग को बताने वाला हूं। तो कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए 10 मिनट का टाइम है मेल कैंडिडेट के लिए और 1600 मीटर की आप लोग की रेस है। फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रेस है लेकिन उनको 12 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। जी हाँ रेस में आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। इसके अलावा हाइट वेट चेस्ट आप लोग का नापा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले यदि आप लोग हैं जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो चेस्ट है वो 80-85 आप लोग की यहाँ पे होनी चाहिए, फीमेल की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग हैं एसटी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 162.5 मिनिमम हाइट बता रहा हूं, मैक्सिमम आप लोग की कितनी भी हो सकती है। और यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, चेस्ट यहाँ पे आप लोग की 76 और 81 होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा मींस इन कैटेगरी से आते हैं, कास्ट से आते हैं और आप लोग इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम वगैरह से, तो आप लोग की यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए 165 होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 155 होनी चाहिए, चेस्ट इसी प्रकार से 83 आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। नॉर्थ ईस्ट एरिया से आते हैं तो इसी प्रकार से आप लोग की 162.5 हाइट और फीमेल कैंडिडेट 152.5 चेस्ट इसी प्रकार से आप लोग की 77 और 5 इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि 82 आप लोग की होनी चाहिए। तो ये कॉन्स्टेबल के लिए बता दिया। इसके अलावा यदि आप लोग हेड कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई किया है, आप लोगों ने हेड कॉन्स्टेबल, वेटनरी, स्टीवर्ड किसी भी पोस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, चाहे आप लोगों ने एसआई के लिए अप्लाई किया, एएसआई के लिए अप्लाई किया है, इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आप लोग की जो रेस होने वाली वो अलग है। जी आप लोग की मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर की आप लोग की रेस है जो कि 7.5 मिनट में आप लोग को करनी है। फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग की 800 मीटर की रेस है जिसे कि आप लोग को 6 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। जी हाँ ये है आप लोग का जो मैंने बताया हेड कॉन्स्टेबल से, हेड कॉन्स्टेबल और इससे ऊपर की जितनी भी पोस्ट है इनकी आप लोग को 7-7.5 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। मेल कैंडिडेट को, फीमेल को 800 मीटर की रेस है और
छह मिनट का टाइम मिलने वाला है, लेकिन जो कांस्टेबल है उनको 1600 मीटर में 10 मिनट में पूरी करनी है, और फीमेल है यदि आप लोग तो आप लोग की 1600 मीटर 12 मिनट में पूरी करनी है। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए जी। हम इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है कि लॉन्ग जंप हाई जंप, तो लॉन्ग जंप हाई जंप जो है वो कांस्टेबल में नहीं है, हेड कांस्टेबल एएसआई एसआई और इंस्पेक्टर वालों के लिए, कांस्टेबल के लिए ओनली और ओनली रेस है जिसमें कि आप लोग को 10 मिनट का टाइम मेल कैंडिडेट, 10 मिनट का टाइम 12 मिनट का टाइम फीमेल कैंडिडेट, आप लोग अभी याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले यही कहूंगा यदि चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। इसके अलावा भी बहुत सी अभी जानकारियां अभी आने बाकी है, सभी पे मैं वीडियोज आप लोग को प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।